अल्मोड़ा पुलिस ने 55 लाख की धोखाधड़ी करने वाले 25,000 के नामी वांटेड को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड को गाजियाबाद से जो है सोमेश्वर कस्बे के केमुना क्रेडिट कॉरपोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की शाखा खोलकर 55,66,424 रुपये धोखाधड़ी से हड़पने का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के सामने पेश किया है। आपको बता दें, यहां पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज़्यादा ब्याज लेने की लुभावनी स्कीम के नाम पर वॉन्टेड ने 472 व्यक्तियों के खाते खोले। इसमें करीब 90 लाख रुपये जमा करवाए गए। इसमें से 34 लाख रुपये जमाकर्ताओं को भुगतान कर दिया गया, जबकि 118 ग्राहकों के 55,66,824 रुपये धोखाधड़ी से हड़प लिए गए थे। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। एक सोसाइटी थी जिसके द्वारा लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया था, करीब 90 लाख रुपए इकट्ठा किया गया था, और बाद में उन लोगों ने कुछ पैसे तो दिए लेकिन बाकी पैसे देने से इनकार कर दिया था, जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें 5 लोग नामजद मुलजिम थे, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो रखी थी, एक व्यक्ति गिरफ्तार होने से बाकी था जो कि राजेश कुमार था, और ये पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गया था। और इसके लिए गिरफ्तारी करने के लगातार प्रयास किए गए थे, पुलिस खाते नहीं चल रहा था, तो इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया, जिस पे कि हमारी अल्मोड़ा पुलिस की टीम, SOG की टीम ने मिल करके इसको गिरफ्तार किया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसके अन्य जो जनपद हैं, अन्य जगहों पर भी इसके खिलाफ जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, इत्यादि तलाश की जा रही है।